सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में नमक पारे किस तरीके से बनाती हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए देख लेते हैं नमक पारे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा। मैदे को मैंने पहले से ही छान लिया है। देसी घी, आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट देसी घी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। पानी, नमक और आधा छोटा चम्मच अजवाइन। चलिए सबसे पहले हम नमक पारे का डो लगाएंगे। तो परात में मैंने मैदा डाल दिया। इसमें हम डालेंगे अजवाइन और नमक। तकरीबन आधा छोटा चम्मच आपको यहाँ पे अजवाइन डालनी है इस तरीके से, और आधा छोटा चम्मच ही हम इसमें नमक डालेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाए। ये देखिए नमक, आप ध्यान से डालें। बहुत ज़्यादा नमक डालेंगे तो नमक पारे में नमक तेज़ हो जाएगा और वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी घी। तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून हम इसमें घी डालेंगे। एक साथ आपको पूरा घी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आप घी डालें और उसे अच्छे से अपने हाथों से मिलाते जाएँ। इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से आपको मिक्स करना है ताकि घी अच्छे से मैदे में मिक्स हो सके। ये देखिए इस तरीके से मैंने बिल्कुल अच्छे से मैदे के साथ घी को मिक्स किया है। अब मैं थोड़ा सा मिक्सचर ले रही हूँ और इसे अपने हाथों में इस तरीके से होल्ड कर रही हूँ। ये देखिए, ये एक पेड़े के रूप में फॉर्म हो गया है, ये ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें घी परफेक्ट है। इसी तरीके से आपको भी मोयन चेक कर लेना है कि नमक पारे में मोयन सही है या नहीं है। इस तरीके से कुछ सेकेंड्स के लिए आप अपने हाथों में थोड़ा सा मिक्सचर लें और उसे होल्ड करें। वो इस तरीके से अगर फॉर्म होता है, ब्रेक नहीं होता, तो आप समझ जाएँ कि घी इसमें परफेक्ट है। अगर आपके में घी कम लगता है, ये ब्रेक होता है, तो आप इसमें एक चम्मच घी और डाल सकते हैं। यही तरीका होता है मोयन चेक करने का। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसका पूड़ियों के जैसा सख्त डो लगा के तैयार करूंगी। एक साथ आपको पानी भी नहीं डालना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। तकरीबन आधा छोटी कटोरी पानी मुझे लगा है इतने मैदे का डो लगाने में। इसे मैं अच्छे से अपने हाथों से मसल करके चिकना करूँगी। बिल्कुल अच्छे से आपको इसे नीट कर लेना है। ये देखिए मेरा डो बन के तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। मैंने यहाँ पे कितना हार्ड डो लगाया है, इसी तरीके का डो आपको भी लगा लेना है। डो को आप बिल्कुल अच्छे से अपने हाथों से मसल के चिकना करें, तभी आपके नमक पारे अच्छे बनेंगे। इस तरीके से मैं ढक करके 10 मिनट के लिए अलग रखूंगी ताकि हमारा डो सेट हो जाए। यहाँ पे मैंने तैयार डो को एक बोल में डाला है, इसे ढक करके 10 मिनट के लिए अलग रख दूंगी। 10 मिनट हो गया है, डो सेट हो चुका है। इसे हम एक बार वापस से नीट करेंगे। जब आप इसे रेस्ट करने के लिए 10 मिनट रखते हो तो ये ऑटोमेटिक थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए आप पहले से ही ज़्यादा सॉफ्ट डो ना लगाएं। ये देखिए आप देख सकते हैं डो अब सेट हो गया है। इसमें से मैं 6 समान लोइयां बना लूंगी इस तरीके से। यहाँ पे मैंने लोइयां बना ली हैं। चलिए अब हम नमक पारे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसे बेलेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है चकला, आप चाहें तो इसे फ्लैट सरफेस पे भी बेल सकते हैं। इसे मैं अपने हाथों से मसल मसल के चिकना करूंगी और इसे इस पर फ्लैट करूंगी। अब हम इसे बिल्कुल पतला बेलेंगे। बिल्कुल अच्छे से आपको इसे बेल लेना है। इसे बेलते वक्त हम सूखे मैदे का यूज़ नहीं करेंगे, बिना मैदे के ही हमें इसे बेलना है। जब आप इसे इस तरीके से थोड़ा सा बेल लें, इसके बाद इसे आपको अपनी तरफ बेलना है, जिससे कि आपको इसे बड़ा करने में आसानी होगी, क्योंकि मैदा में काफ़ी इलास्ट होता है, नहीं तो आप उसे बेल नहीं पाएंगे। जैसे ही आप उसे बेलेंगे वो वापस से छोटा हो जाएगा, और जब भी आपको लगे कि ये बढ़ नहीं रहा है तो आप इसे पलट लें और फिर इसे इस तरीके से बेलें। कोशिश करें कि आप इसे अपनी तरफ बेलें तो आप इसे जल्दी से और आसानी से बेल पाएंगे। बिल्कुल अच्छे से आपको इसे बिल्कुल पतला बेल लेना है। ये देखिए, देख सकते हैं आप मैं इसे कैसे बेल रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी इसे बेलना है। ये सभी तरफ से एक समान होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कहीं से आपकी रोटी मोटी हो गई और कहीं से पतली हो गई। एक समान आपको इसे इस तरीके से बेल लेना है। अब मैं इसे कट करूँगी। कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसी भी शेप आपको चाहिए। मैं यहाँ पर डायमंड शेप में कट करूँगी इस तरीके से। मैं पिज़्ज़ा कटर से कट कर रही हूँ, आप चाहें तो नाइफ से भी कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं कितनी मोटे मोटे पीसेस कट कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से इससे ज़्यादा बड़े पीसेस भी कट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा छोटे आप ना काटें, इससे बड़े आप काट सकते हैं।
क्योंकि ज़्यादा छोटे काटेंगे तो वो फ्राई करने में सिकुड़ जाएंगे और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। इस तरीके से आप इसे काट लें। ये देखिए, मैं थोड़े से इस साइज के बना के दिखाऊंगी आपको और थोड़े से इससे बड़े भी बना के दिखाऊंगी। इसे हम इस तरीके से उतार लेंगे अपने हाथों से। कुछ भी नहीं होगा, ये जो फोल्ड हो जा रहे हैं सब फ्राई करने में खुल जाएंगे। प्लेट में हम इसे रखते जाएंगे। एक प्लेट में आप 2 से 3 पेड़े से बने हुए नमक पारे रख लें और फिर दूसरी प्लेट में इसी तरीके से बेल के रख लें। एक ही प्लेट में सारे नमक पारे बेल के आपको नहीं रखने हैं, नहीं तो सब आपस में चिपक जाएंगे और जब आप फ्राई करेंगे तो वो आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप इससे ज़्यादा बनाएंगे तो आप हर एक प्लेट में 2-2 पेड़े के बेले हुए नमक पारे रखें। उससे होगा क्या, जब आप इसे फ्राई करेंगे तो आपको आसानी होगी और आप इसे आसानी से फ्राई कर पाएंगे। अगर आप एक साथ सब रख देंगे तो आपस में चिपक जाएंगे और फ्राई करने में खुलेंगे नहीं। पहले से ही मैं सभी नमक पारे बेल के तैयार कर लेती हूँ, इसके बाद बस हम इसे फ्राई करेंगे। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और पेड़ा आपको बेल के दिखाती हूँ। बेलने से पहले आप इसे मसल के चिकना करें। चाहें तो आप जो बचे हुए पेड़े हैं उसे ढककर के भी रख सकते हैं अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, नहीं तो वो सूख जाते हैं और फिर आप उसे बेल नहीं पाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको उसे बेलना है। बस कुछ भी नहीं करना, कोशिश करें आप इसे अपनी तरफ इस तरीके से बढ़ाएं। जब भी आपको लगे कि आपको बेलने में दिक्कत हो रही है, आप इसे पलट लें और फिर इसे बेल लें इस तरीके से। ये देखिए, अगर आपको इसे उठाने में दिक्कत होती है तो आप चाहें तो अपने चकले को घुमा सकते हैं और तब इसे बेल सकते हैं। ये देखिए, दूसरी रोटी मैंने बेल ली है, आप थिकनेस देख सकते हैं। मैं बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ। इसे भी अब हम कट करेंगे। पीसेस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया इस तरीके से। आप चाहें तो सिर्फ इसे इसी तरीके से लंबा लंबा भी फ्राई कर सकते हैं। 1.5 इंच के पीसेस में आपको इसे कट करना है। ये देखिए, इसे भी मैं निकाल लूंगी। ये देखिए, 2 पेड़े के बेले हुए नमक पारे मैं एक ही प्लेट में निकाल रही हूँ। अब मैं इस प्लेट में और नमक पारे नहीं बेल के रखूंगी। अब जो मैं बेलूंगी उसे मैं दूसरी प्लेट में रखूंगी ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो हमें दिक्कत ना आए, क्योंकि मैं करती हूँ पहले से इसे बेल के तैयार कर लेती हूँ, इसके बाद मैं इसे फ्राई करती हूँ। अगर आप एक एक बेलेंगे, फ्राई करेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो आप पहले से ही इसे बेल करके तैयार करें और फिर इसे फ्राई करते जाएं। तेल मैंने गर्म होने रखा है, तेल अब मीडियम गर्म हो गया है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए। मीडियम गर्म तेल में हम नमक पारे डालेंगे। एक बार में आप उतने ही नमक पारे ऑयल में डालें जितने कि उसमें आसानी से फ्राई हो सके। ये देखिए, मैंने यहाँ डाल दिए नमक पारे। अभी आपको ये सारे आपस में जुड़े हुए लग रहे हैं, जैसे ही मैं इसमें चम्मच लगाऊंगी ये अलग हो जाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए कितने बढ़िया नमक पारे बन रहे हैं। मैं मीडियम फ्लेम पे अभी इसे फ्राई कर रही हूँ। 2 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पे करूंगी, फिर मैं फ्लेम को हाई करूंगी। फ्लेम आपको अपने हिसाब से थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ती है। 2-3 मिनट आप लो फ्लेम पे फ्राई करें, 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, फिर आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करें, क्योंकि अगर आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करोगे तो ये ऊपर से फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अभी ये फर्स्ट बैच है तो ऑयल इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, तो मैंने 2-3 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया, फिर मैंने इसे हाई फ्लेम पे फ्राई किया है। ये देखिए, जब इस तरीके से कलर्स का चेंज हो जाए तब आप फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दें बीच में, नहीं तो ये जल जाएंगे। इसी तरीके से फ्लेम आपको एडजस्ट करनी पड़ती है। पहले आप इसे हाई फ्लेम पे डालते हैं, जैसे ही आप नमक पारे ऑयल में डाल देंगे फ्लेम को आप मीडियम करेंगे, 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, फिर बीच में 2-3 मिनट फ्लेम को हाई करेंगे, फिर फ्लेम को 2-3 मिनट मीडियम करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। यही प्रोसेस है। तो फ्लेम आपको अपने हिसाब से थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ती है। कलर आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा डार्क आप इसे फ्राई ना करें, क्योंकि ये रखने में थोड़ी सी डार्क होगी, क्योंकि अभी ये गर्म है तो इसमें कुकिंग प्रोसेस चल रहा है। अगर आप इससे ज़्यादा डार्क इसे फ्राई करोगे तो जब आप इसे खाओगे तो आपको ये खाने में कड़वी लगेगी। इसी तरीके से जब ये गोल्डनिश हो जाए तो बस आप इसे निकाल लें। ज़्यादा डार्क गोल्डन करने की कोशिश इसे ना करें। इसी तरीके से मैं बाकी नमक पारे भी फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सभी नमक पारे बना लिए हैं। मैंने 2 तरीके के नमक पारे बनाए हैं, एक मैंने छोटे छोटे बनाए हैं और एक मैंने बड़े बड़े बनाए हैं। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपको छोटे पसंद हो तो आप छोटे बनाएं, बड़े पसंद हो तो आप बड़े बनाएं।
जब ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसे भर के एयर टाइट कंटेनर में रख दूंगी। ये एक महीने तक खराब नहीं होते हैं। इसे आप चाय के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।